बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। ईओबीआई मेरे बुजुर्ग पेंशनर्स, मैंने आपको कहा था कि 30 जून को विफाकी काबीना की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें आपके मामले पर भी बहस होनी है। 12 नुकाती एजेंडा वजीर आजम पाकिस्तान ने विफाकी काबीना को डिस्कस करने के लिए दिया था और ये इजलास आज होना था। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाजी ने ये मीटिंग मनसूख कर दी है और अब ये मीटिंग आज नहीं हो सकेगी। इसलिए जो आपका इशू डिस्कस होना था वो इशू आज डिस्कस नहीं हो सकेगा। अब मैं एक तो ये इतला दे दी आपको और दूसरी आपसे ये गुजारिश करनी थी कि हमने जो मुतालबा ईओबीआई पेंशनर्स के हवाले से किया था कि इनको मेरिट ग्रांट दी जाए, डेथ ग्रांट दी जाए, एजुकेशन ग्रांट दी जाए, वेलफेयर फंड जो है वो इनको ईओबीआई पेंशनर्स को दिया जाए, वो मुतालबात आजकल हमारे अखबारात की जीनत बनते जा रहे हैं। वीडियो के आखिर में मैं वो ख़बर भी शेयर करूँगा जो रोज़नामा खबरें गुज़श्ता रोज़ के रोज़नामा खबरें में छपी है, आपने यकीनन पढ़ ली होगी। वो मुतालबात जो है अब एक तहरीक की सूरत इख्तियार करते चले जा रहे हैं और रोज़नामा जंग में भी दोबारा ये खबर छप चुकी है। कल के रोज़नामा खबरें मुल्तान में ये खबर शाये हुई है, जिसमें ईओबीआई पेंशनर्स के हवाले से मेरिट ग्रांट, इसी तरह जो है वो डेथ ग्रांट, इसी तरह एजुकेशन फंड, एजुकेशन ग्रांट और इसी तरह जो है तजहीज़ व तकफीन के लिए और इसी तरह जो है वो वेलफेयर फंड के मुतालबात किए गए हैं। वो अखबारात आप देख सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं वो भी साथ जो है वो वीडियो में ही वो कटिंग जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं आज थोड़ा सा मायूस हुआ हूँ, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर आज विफाकी काबीना का इजलास हो जाता और उसके अंदर ये मामलात डिस्कस हो जाते तो होपफुली जुलाई के पहले हफ्ते में कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है वो आ जाना था, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हो सका। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके अंदर ज़रूर जो है वो पेशरफ होगी और ये मामला जो है काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएगा। बहुत सारे अफराद होते हैं, अपना अपना नुक्ता नज़र होता है, वो बाद खबरों की तरदीद करते हैं, खबर आती है उसकी तरदीद करते हैं। चूँकि हमारे यहाँ पढ़ने का निज़ाम नहीं है, सर्च करने का निज़ाम नहीं है, और सर्च कैसे की जाती है, सर्फिंग कैसे की जाती है, ख़बर को तलाश कैसे किया जाता है, बाज़ अवकात ख़बर कहीं मौजूद नहीं होती, ज़राए से कैसे कंफर्म किया जाता है, इसलिए बाज़ लोग जो है वो ख़बरों की तरदीद भी शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल उन तरदीदों पे जो है वो कान न धरा करें और मैं कोशिश करता हूँ एक मूवमेंट की सूरत में ले कर चलूँ और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप मुझे मायूस नहीं पाएंगे, नाकाम और नामुराद नहीं पाएंगे। मैं आपके हकूक़ के लिए जिद्दोजहद कर रहा हूं और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। उम्मीद है आज का मौजू आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।